लोग इस कदर होते हैं यहाँ पर, बहुत रश होता है। कातिया मस्जिद के साथ ये कोटी कितने की है? एक सिर्फ 25 रुपए में, पांच पांच है इसमें, एक 25 कोटे, चार कोटे, 4 रुपए का। ये बहुत मशहूर है, लगी हुई है कोटे, लगे हुए हैं और बोटियां लगी हुई है। ये देखें, ये है, ये जो है इनका ठेला यहाँ पे लगा हुआ है। सही 30 से 35 साल पुराना और मसाला इतना माशाल्लाह चटपटा है, तो मसाले की वजह से हमारी यासीनाबाद, गरियाबाद और भी। ये हमारी प्लेट हो गई है रेडी, तो 8 से 10 तो माशाल्लाह खा ही सकता है। ये मैंने किया डिप, तोड़ कर दिखाऊं, ये देखो, ये देखिए कुक कितना अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आज जो थंबनेल लेकर आप मेरी वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो पर आपको यही कुछ मिलने वाला है। तो इंतजार किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बारबेक्यू आप कम से कम रेट में क्या क्या खा सकते हैं और कितने का खा सकते हैं। तो चलते हैं। और जनाब हम मौजूद हैं दिलावर भाई के ठेले पर, और यहाँ पर क्या क्या चीजें लगाई हुई है आप लोगों ने बताए? छोटे से पर है, ये कौन से पर है? पर कौन से? ये पर है। अच्छा, ये पर है, पर है, ये बोटी है। ये बोटी कितने की है? ये सिर्फ 25 रुपए की है। 25 रुपए की फीस है, पांच बोटियां। और पर? और पर भी पांच पांच है इसमें, एक 25 रुपए की सीट है। एक 25 रुपए की सीट है। ये पोटे है, और ये है पोटे, चार पोटे, चार पोटे, ये भी एक 25 रुपए की है। ये भी एक 25 रुपए की है। बस ये देखें, ये है चिकन की दोम, ठीक है, और एक सीट में पाँच है, और ये भी है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। लेकिन जब ये तैयार होती है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि वो चिकन की अपनी जो एक उसके रवाज की जो एक टेस्ट इन्हेंस हो रहा होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो टेस्ट ज़रूर करिएगा। और भी क्या ये देखें, ये है बाजू, और एक सीट में आप देख सकते हैं तीन है, और ये मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है इनका, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये यहाँ पर इन्होंने सारी विंग्स, ये विंग्स जो है वो हाफ कुक है, और ये अभी बिल्कुल कच्चे हैं, ये देख सकते हैं, और उधर दम लगी हुई है, और ये तो सफाई भी बहुत है, आप देख सकते हैं किस कदर सफाई के साथ काम हो रहा है। ये देखिए, ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये हैं हमारे आसिफ भाई, वैसे ये ठेला है दिलावर भाई के नाम से। तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपकी लोकेशन क्या है? लोकेशन हमारी है बंगोरिया गोट, बंगोरिया गोट, बंगोरिया गोट, कातिया मस्जिद के साथ ही है ये, कातिया मस्जिद से थोड़ा सा आगे आएंगे, ये बंगोरिया गोट का इलाका है। यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे दिलावर भाई का, ये बहुत मशहूर है पूरे इलाके में। तो यहाँ से हम आते हैं तो ये लियारी नदी की जो ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रिज से हम आएंगे। तो और जो मस्जिद की बात की है, ये है इधर मस्जिद, और आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो चलता हुआ एरिया है। तो और ये जो है ना बहुत ही टेस्ट में लाजवाब है, काफ़ी दफ़ा हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, खाते रहते हैं, बहुत ही सफाई का खास निज़ाम, इसके साथ साथ टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब। तो व्यूअर्स मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आइए और खाइए और फिर खा कर बताइए, हम अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। और आपको पता है हमारे टेस्ट मास्टर हैं अदनान, तो वो टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। हमें यहाँ पर फिलहाल लगा हुआ है, विंग्स लगी हुई हैं, कोटे लगे हुए हैं, और बोटियाँ लगी हुई हैं, चार आइटम। तो ये अब हमारी सीखें लग रही हैं। हमारा ऑर्डर लग चुका है। ये है दिलावर भाई के यहाँ बारबेक्यू के साथ खाने वाली चटनी, ये देखें, ये है चटनी, और बहुत ही डिलीशियस होती है। पार्सल अगर आप लेंगे तो ये देखें पैकेट्स बनी रखी हुई हैं पार्सल के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें पार्सल में भी आपको मिल जाती हैं। चटनी बहुत ज़्यादा इनकी फेमस है, साथ साथ इनका बारबेक्यू आइटम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमारे आसिफ भाई हैं बंगाल के रहने वाले, और आपको पता है कि बंगाली जो है वो खाना कितना मज़ेदार बनाते हैं। तो इनका मसाला अपना है, खाना अपना है ना जी, जी। इनका अपना मसाला है, अम्मी का है, दादी का है, किसका बनाया हुआ है ये जो रेसिपी? ये मसाला हमारे चाचा का बनाया हुआ है। अच्छा, तो
बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एक डिफरेंट सा टेस्ट है और इतने कम रेट में ना तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कराची में कहीं पर भी मिले। तो एक सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ की। तो व्यूअर्स ये जो है इनका ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, चाहिए ये ठिया यहाँ लगाए और यहाँ पर इनका होता है पूरा बैठने का सेटअप, ठीक है, जो कि अभी लगेगा काम होगी तो फिर पूरा सेटअप लग जाता है, लाइट्स वगैरह भी लग जाती हैं। तो चाहे तो आप लोग यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं और चाहे तो फिर आप लेके जाएं और घर जाकर आराम से बैठकर खाएं। तो भाई ये बताएं ये कितना पुराना ठिया है आपका? ये तकरीबन 30 से 35 साल पुराना ठिया है यहाँ पे सबसे पहला। जी 30 से 35 साल पुराना, साल पुराना इस एरिया में शायद सबसे पहला ठिया है आपका? जी जी सबसे पहला ठिया है और माशाल्लाह बहुत साफ सुथराई है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। ये बहुत फेमस है यासीनाबाद गरियाबाद और भी बहुत दूर के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, खुद नाम लेते हैं कि हम दूर दूर से आए तो औरंगी टोन से फैमिली आती है यहाँ पे हमारे पास गाड़ी में। इतना कम रेट रखा है इससे आपको कोई प्रॉफिट है मतलब? नहीं प्रॉफिट की बात नहीं, बस हमारे जो कस्टमर है वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं और जितना उनको उनको जो है बेहतर चीज़ मतलब आप चाहते हैं कि कम से कम रेट में पब्लिक को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छी चीज़ प्रोवाइड। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल की इतनी महंगाई के दौर में आपने इतना कम रेट रखा है और पब्लिक का एहसास कराए, ये बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खाने वाले गरीब है, यहाँ गरीब तबका ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अगर रेट बढ़ाएंगे तो वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है हमारे पुराने वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं और जो दूर दराज से आते हैं कुछ वो थोड़े से बेहतर है तो इसमें कोई इतना वो नहीं। सही। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर और भी दूसरे ठिए हैं लेकिन आपका ज़्यादा चलता है? यहाँ पे इसलिए ज़्यादा चलता है, एक तो ये पुराना है और फिर साफ सुथराई के लिहाज से भी हमने बहुत बेहतर रखा हुआ है, लोगों को रोटी देना कोई भी चीज़ की किसी भी तरह का यहाँ तकलीफ़ नहीं है, मसला मसाइल नहीं है और मसाला इतना माशाल्लाह चटपटा है तो मसाले की वजह से हमारी चटनी की वजह से जो है लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, मोहल्ले के भी लोग बहुत खाते हैं यहाँ पर चटनी के लिए। तो हमारे पास समझे यहाँ पर जो है ना लड़ाई झगड़ा होता है रात में अक्सर, अच्छा। भाई चटनी नहीं है और तुम जो है हमें माल दे रहे हो चटनी के लिए, बहुत हमारा जो है मसला। तो आप किस टाइम से अपना ठिया लगाते हैं? मेरे को तो तकरीबन ये टाइमिंग बताएं। टाइमिंग तकरीबन 5 बजे से रात 1 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। अच्छा 5 बजे से रात 1 बजे तक। जी अल्लाह ताला बरकत दे इसमें, आमीन। तो व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार होता है वो। तो अभी आपको अदनान भी ट्राई करके बताएंगे कि कैसा है। गोटियाँ हमारी प्लेट हो गई है रेडी, ठीक है, ये मिक्स प्लेटर हमने बनवाया है। तो चलते हैं अदनान के पास और अदनान इसका रिव्यू देंगे। तो अदनान, तो ये पोटा अदनान ने उठाया है और ये सूप का साइज उसका सही है। खाएं। माशाल्लाह मुझे भूख तो वैसे नहीं थी लेकिन इसको खा के मुझे और भूख लग जाती है और इसको जितने भी आप खाते रहे गरम गरम एक बंदा अगर खाने वाला है तो 8 से 10 तो माशाल्लाह खा ही सकता है। अब मैं आपको इसका एक उठा के दिखाता हूँ। दुम, ये बेसिकली दुम होती है और ये लोग इसको बोटी भी कहते हैं लेकिन है ये दुम। बोटी के हिस्से नाम से फेमस है ये, इसकी चटनी के साथ। माशाल्लाह और इनकी चटनी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपको कभी ये ना खाना हो तो आप चटनी और रोटी भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है इनकी ये चीज़ें। ये विंग्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, ये मैंने किया डिप। बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा इधर की दिलावर की।
आपको कराची में और भी बारबेक्यूज वाले मिलते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। मुझे जब भी ऐसा कुछ खाने का दिल करता है, मैं यहीं दिलावर भाई के किए पे आता हूँ खाने, ये चीज़ें और बहुत मज़े की ये चीज़ें माशाल्लाह से। यासीनाबाद भंगोरिया, यहाँ लेबर तबका है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, तो यहाँ का लेबर तबका ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा था और अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत रीज़नेबल प्राइस है इसकी, हर बंदे आसानी से इसको दे सकते हैं। बाजू सब अच्छा है, बाजू ये इसका बाजू है। अब ये देखें माशाल्लाह, इसको गलाया इतना अच्छा है, इसका मसाला ना तो ज़्यादा स्पाइसी है ना कम स्पाइसी है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसे होना चाहिए ना, एक इसका टेस्ट इन्होंने वैसे ही इसको रखा हुआ है। और चिकन की सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, अदनान ने कैसे इस बाजू को खा लिया। हाँ बहुत सॉफ्ट है माशाल्लाह। अब ये हमारा रेहान भी भूखे हैं, हाँ अपने रेहान को खिलाते हैं। ये देखें, कुक कितना अच्छा हुआ भाई, ये देख सकते हैं आप। तो व्यूअर्स, अगर हम आते रात के टाइम तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता, ही अच्छा सेटअप होता, लेकिन हम आए दिन के टाइम ताकि रश यहाँ पर हमें बिल्कुल ना मिले और हम बहुत अच्छी सी वीडियो यहाँ पर बना सकें, क्योंकि जब रश होता है तो फिर जो है वो सही तरीके से रिव्यू देना भी ज़रा मसला हो जाता है, क्योंकि लोग इस कदर होते हैं यहाँ पर, बहुत रश होता है। इतना सस्ता और इतना अच्छा, ठीक है, शायद ही आपको कहीं और मिले, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी हम मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।